जो खवातीन अपनी नई सीएनआईसी बनाते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सीएनआईसी बनाते हैं, और अल्टीमेटली जब आप सीएनआईसी रजिस्टर करते हैं तो आप इलेक्टोरल कॉलेज में एज अ वोटर भी आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। जी, आज का प्रोग्राम औरतों के आलमी दिन पर मनाया गया, इसमें फीमेल्स के इश्यूज को उजागर किया गया, जो फीमेल्स के हमारे वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट के इश्यूज हैं या एजुकेशन के इश्यूज हैं या हेल्थ के इश्यूज हैं, उन सब के ऊपर हमने बात की, और उम्मीद करते हैं इम्प्लीमेंट के साथ हम इन पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कानून साजी तो हो गई है काफ़ी चीज़ों पर, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो हमने कोशिश यही की है कि अब इन सब पर इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या क्या मसाइल है खवातीन के? मसाइल एजुकेशन इनका इशू है, जल्दी शादियां बच्चियों की कर दी जाती हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं, और इसके अलावा जहां वर्क प्लेस जहां वो काम करती हैं वहां पर वॉशरूम्स के इश्यूज हैं, और इसके अलावा काफ़ी इश्यूज और भी हैं। सबसे बड़ा इशू हमारा जो है हैरेसमेंट का इशू है, फीमेल्स का हैरेसमेंट का इशू इसलिए भी ज़्यादा है कि वो अपनी इज्जत की वजह से डरती हैं और वो रिपोर्ट नहीं करती हैं। अगर वो रिपोर्ट करें सामने आएँ तो उनको अपने ख़ानदान से भी डर लगता है कि उनके ख़ानदान पर भी बात आएगी, तो इसके ऊपर हमें और भी वर्क करना पड़ेगा। जो बहुत कम लोग जानते हैं खराबियाँ कहाँ पर हैं, कहाँ से शुरू होती है, वो हमारे प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ से शुरू होती है। हमारे माशरे में, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट चमन से है, अगर हम अपने बच्चियों को प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक उसकी तालीम का ख्याल रखें, उसको उसकी जो हमारे गर्ल्स स्कूल है वहाँ बदकिस्मती से एक डिग्री कॉलेज है चमन में, और उसमें स्टाफ मेन स्टाफ की वजह से हमारी बहनें हमारी बेटियाँ जो है वो कॉलेज छोड़ के चले गए, क्योंकि वहाँ पर मेन स्टाफ था और वहाँ पर फीमेल स्टाफ अवेलेबल नहीं। हमने जितनी कोशिश की पशीन से कोयटा से इर्द गिर्द से हमने जो उसको पैकेजिंग दी है उसको बेहतरीन रिहाइश की पेशकश की, मगर फिर भी हमारी खवातीन जो है वो कोयटा से ड्यूटी करने चमन नहीं आती। इसी तरह हमारे डॉक्टर्स जो खवातीन हैं वो कोयटा से चमन में ड्यूटी नहीं करते, हालांकि गवर्नमेंट ने उसको जो ए बी सी कैटेगरीज रखी इलाकों की उसके हवाले उसके हिसाब से पैकेज भी दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स जो है वहाँ बदकिस्मती से वहाँ ड्यूटी करने नहीं आती, चाहे वो चमन हो, चाहे शोक हो, चाहे डोरलाई हो, दुखी हो या खुशदार हो, आपके नोश्ती हो, खारा हो, कोयटा से निकलने में कुछ मुश्किल उनको दरपेश है। तो मैं समझता हूँ कि खवातीन के हकूक के बारे में मैं चमन में नाजरा की जो हमारी सूरत हाल थी वो एक ही सेंटर था पूरे शहर के लिए, और उसमें दो दिन खवातीन के लिए थे।